सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी सलमान खान की एंट्री, मतलब बियॉन्ड अमेजिंग। उसके अलावा पूछो जल्दी, सलमान खान और शाहरुख खान का जो पूरा सीन था वो सबसे अमेजिंग था। लिटरली हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए कि अभी और हमने थिएटर में डांस किया है, थिएटर में डांस भी किया जूमी जो पठान पे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अमेजिंग दीपिका, बहुत अच्छी, सेक्सी, अमेजिंग, हॉट, हॉट, बहुत ही ज्यादा। जॉन अब्राहम लुक द हॉटेस्ट इन द मूवी। जॉन अब्राहम को देख के तो मतलब ये मूवी में सबसे ज्यादा देखने लायक तो वैसे जॉन अब्राहम ही था, नो डाउट। एंड आई लव शाहरुख, तो शाहरुख तो ऑब्वियस भाई, जॉन अब्राहम ने दीपिका हटी, नजर नहीं, जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, दीपिका, मतलब माइंड ब्लोइंग। और फिर उसके ऊपर सलमान, उसके ऊपर सलमान, सलमान खान की एंट्री भाई साहब की एंट्री, मजा आने वाला है। क्या आपको देखने वाले जाने वाले हैं? पता नहीं था कि अचानक ऐसा धमाल मिलने वाला है और इनके साथ वापस से कुछ और नया आने वाला है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग, बहुत ही अमेजिंग। मूवी में दिखाया गया कि सलमान खान, ऋतिक रोशन एंड शाहरुख तीनों का साथ में भी शायद मूवी आ सकता है, यू नेवर नो। मतलब इंडियन सिनेमा में एक बहुत मल्टीवर्स, क्योंकि सलमान की एंट्री आई पता नहीं था किसी को और अचानक सलमान की एंट्री हुई है, मतलब कुछ और नया आने वाला है। यू गाइस विल गेट अमेज, सलमान की एंट्री देखने के लिए ही ये मूवी देखना, मतलब क्या अमेजिंग है। और जॉन अब्राहम लुक द हॉटेस्ट, पूरी मूवी बहुत अच्छी है, पूरी मूवी के लिए देखना, खुला रह जाएगा मुंह, खुला ना खुला रह जाएगा पूरी मूवी में, जितनी बार भी हमें कम पड़ेगी। एक मिनट के लिए आपको ना सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा, लाइक मूवी में सब कुछ इतनी जल्दी 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 जल्दी। गाइस जॉन अब्राहम को देख के पागल हो जाओगे। अरे वापस आएंगे। एक्शन भी है, रोमांस भी है, जैसा आपने बोला वो दीपिका पादुकोण वाला केमिस्ट्री तो वो भी है, एंड एक्शन तो भरपूर है यार। एंड आई वुड से वन थिंग, जस्ट गो एंड वॉच, यू माइट सी अ गुड हीरो इन द फिल्म आल्सो। काफी अच्छी मूवी थी, शाहरुख थे तो अच्छी तो होनी थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? मोर देन 5, 10, 100। पठान देख के आ रहा हूँ सर। पठान कैसी लगी आपको? पठान बहुत बहुत बढ़िया मूवी है, बिकॉज शाहरुख खान का 4 साल के बाद का कमबैक है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग ऐसा ही कुछ होने वाला है, बट इतना अच्छा लगेगा मुझे, लाइक आई वाज इन अ कंप्लीट, बहुत अच्छा लगा मुझे। रोमांस किंग ने इस बार एक्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? रोमांस किंग अभी वो है नहीं, वो अभी आउट एंड आउट एक्शन स्टार है, वो जिस तरीके से उसका एंट्री हुआ, जिस तरीके से उसने प्रेजेंस जमाया, उससे मेरे को एक सेकंड नहीं लगा ही वाज अ रोमांस स्टार। वो अपने आप को पूरा पठान के रोल में पूरे तरीके से कैरेक्टर में घुस के जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना शेप, साइज, चिजल्ड बॉडी, आई लव्ड इट। मतलब वो चीज़ एक, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे। दीपिका तो एज यूजुअल उसके कैरेक्टर अच्छा था, जिस तरीके से उसको लिखा गया, दीपिका के कैरेक्टर को बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स से उसके कैरेक्टर में, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और दीपिका ने परफॉर्मेंस भी काम भी अच्छा किया उनका, जो जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, उनका जो एक्शन सीक्वेंस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसने किया। सो स्टोरी वाइज आप क्या बोलेंगे, कितने 5 में से कितने स्टार? 4 स्टार, 4 to 4.5 स्टार। और कहानी अच्छी है, मतलब हटके है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, प्री इंटरवल, क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, सेकेंड हाफ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल इट इज, इट्स अ मस्ट वॉच फॉर शाहरुख खान फैंस के लिए तो वो है ही, और बाकियों के लिए भी इट्स अ मस्ट वॉच। कह रहे हैं कि पैसा वसूल है, ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, फुल पैसा वसूल फिल्म है। सुपर्ब, मस्त ओवरऑल, पहले से बहुत मतलब SRK आया है, एंड एज यू कैन सी SRK फैन, सुपर्ब। यस, सलमान इज प्लस फैक्टर, उसके वजह से और बहुत कुछ होगा, एंड पब्लिक विल एक्चुअली गो फॉर सलमान ऑल्सो, शी वॉज सो हॉट, सीरियसली, थैंक यू। 5